नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पाकुड़ के पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के रेलवे साइडिंग और माइंस के पूर्व कर्मचारियों ने लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कर्मियों ने बताया कि सेंट्रल कोल ब्लॉक में ग्रामीण विस्थापित माइंस प्लांट और रेलवे साइडिंग सभी जगहों को मिलाकर लगभग 953 कर्मी कार्यरत थे। माइंस बंद होने के बाद सभी बेरोजगार हो गए हैं। कितने कर्मी पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाए और उनका देहांत हो गया। आज उनके परिवार और बच्चे दाने दाने के मोहताज हैं। माइंस बंद होने के बाद पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के कर्मियों के साथ PSPCL अधिकारियों से कई दौर की वार्ता हुई, जिसमें PSPCL के अधिकारियों ने सभी कर्मियों को आश्वस्त किया था कि MDO हो जाने के बाद सभी कर्मियों को उनका बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन आज PSPCL के अधिकारी भी पूर्व कर्मियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिस पर विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने आश्वासन दिया कि कर्मियों को उनका हक दिलाने की पहल की जाएगी। साथ ही कर्मियों ने बताया कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो उग्र आंदोलन होगा। डट के मुकाबला सामने आइए और यदि नहीं मानती है प्रबंधन तो ताला मारिए, हम आपके साथ हैं। आपका हक है और आपको मिलना चाहिए, जबकि बगल की कंपनी BGR ने दिया है तो इसको भी देना होगा। उनका भरोसा विश्वास हमारे साथ है और हम अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई प्रबंधन के साथ आगे भी जारी रखेंगे। और सभी वर्करों से मैं आह्वान करता हूं कि 28 से 30 के बीच में सभी वर्कर अमड़ापाड़ा पहुंचने का प्रयास किया है। धन्यवाद।